नमस्ते दोस्तों, आपने बंदर तो देखे ही होंगे प्रत्यक्ष रूप से टीवी पर, बुक्स में उनके चित्र, कहीं ना कहीं पर आपने बंदर तो देखे ही होंगे। लंगूर बंदर हो गया या दूसरे प्रकार के बंदर हो गए। डिस्कवरी चैनल पर भी आपने अलग अलग प्रकार के बंदर देखे ही होंगे, पर क्या कभी आपने ऐसे बंदर के बारे में सुना है जो कि इंसान की एक उंगली जितना बड़ा होता है? क्या आपने कभी ऐसे बंदर के बारे में सुना है जिसका साइज एक टमाटर जितना होता है, इंसान की एक उंगली जितना होता है? क्या आपने कभी सुना है? जी हाँ, ऐसा बंदर होता है और उसका नाम है पिग्मी मॉर्मोसेट। और पिग्मी मॉर्मोसेट पाया जाता है दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के वर्षा वनों में। यह बंदर पाया जाता है और इसे लोग बहुत पसंद करते हैं और पालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वह काफी दाम लगाने के लिए तैयार रहते हैं और यह बंदर आजकल विलुप्त होने की कगार पर है। पिग्मी मॉर्मोसेट के पंजे बहुत पैने होते हैं जिसके कारण इसे आसानी से पेड़ पर चढ़ने में मदद मिलती है। पिग्मी मॉर्मोसेट का वजन होता है 100 ग्राम और इसकी लंबाई जो होती है वो अपने जीवन भर में इसकी जो लंबाई पहुंचती है वो सिर्फ 6 इंच तक पहुंचती है और इसकी जो पूंछ होती है वो 20 सेंटीमीटर तक की ही लंबाई इसकी होती है। और यह अपनी पूंछ का इस्तेमाल दो पेड़ों के ऊपर कूदने के और संतुलन बनाने के लिए करता है। साथ ही ये बंदर जितना छोटा है उतना ही गुस्से वाला भी है और कई बार ही अपने मालिक को ही काट लेता है। पिग्मी मॉर्मोसेट अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकता है जिसकी मदद से वह अपने शत्रुओं को जो इसको अपना आहार बनाने की ताक में रहते हैं उन्हें यह देख सकता है और अब उनसे बच सकता है। तो कैसी लगी आपको पिग्मी मॉर्मोसेट की यह जानकारी? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।